दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल सिन्हानी एक बार फिर आपका अपने चैनल पशु केयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक डेयरी फार्मर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी एक ही कोशिश होती है कि उसके पशु की लेवटी यानी अडर अच्छा हो, पशु का जो दूध है वह भी अच्छा हो और साथ ही साथ दूध में भी फैट अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए डेयरी फार्मर मार्केट से कई तरह की चीज़ें लेके आता है, कई तरह के सप्लीमेंट्स लाता है, अपने पशुओं खिलाता है ताकि अपने पशु का दूध बढ़ा सके। इसमें आप विटामिन एच पे ज़्यादा जोर देते हैं। विटामिन एच आप मार्केट से लेके आते हैं और काफ़ी महंगा भी पड़ता है आपको, और आजकल इतनी कंपनीज के विटामिन एच आ रहे हैं कि उसका रिजल्ट भी हमें कईयों का देखने को नहीं मिलता। तो मैं जो आज आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने पशुओं को उन घरेलू नुस्खों से विटामिन एच दे सकते हैं और अपने पशु की जो दूध की प्रोडक्शन है, फैट की प्रोडक्शन है, वो बढ़ा सकते हैं। पहले दोस्तों, मैं आपको आज विटामिन एच के फ़ायदे भी बताऊंगा कि हम जो अपने पशुओं को विटामिन एच देते हैं आखिर वो करता क्या है और वो अपने पशुओं का दूध कैसे बढ़ाता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हम घरेलू नुस्खे देंगे उससे आपके पशुओं को विटामिन एच कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने पशुओं को विटामिन एच देते हैं, सबसे पहला काम तो दोस्तों विटामिन एच पशुओं के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और साथ ही साथ लीवर में बाइल का भी फ्लो बढ़ाता है, बाइल भी बनाता है, जिससे कि यह लीवर टोनिक का काम करता है और यह बहुत ही अच्छा लीवर टोनिक माना जाता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, इसलिए जो हम अपने पशु को चारा देते हैं उसमें जो फाइबर होता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाता है, उसका हाजमा बढ़ाता है, जिससे कि पशु के दूध में फैट बढ़ता है। दूसरा दोस्तों, यह रूमन में ग्लूकोज बनाता है, एमिनो एसिड्स बनाने के में हेल्प करता है, जो एमिनो एसिड आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं और वह हमें दूध में देखने को मिलते हैं, इससे यह पशु का दूध भी बढ़ाता है। अगर हम अपने पशु को ब्याने से पहले, काविंग होने से 15 दिन पहले यह विटामिन एच देना शुरू करते हैं तो यह पशु के अडर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे जो अडर का साइज़ है वह अच्छा होता है, अडर साइज़ ग्रो करता है। फिर दोस्तों, इसके दूध बढ़ाने के अलावा कुछ अन्य फ़ायदे भी हैं, जैसे यह पशु के सींग हैं, खुर हैं, उनको भी हेल्दी रखता है। अगर पशु में विटामिन एच की कमी होती है तो हमें अक्सर पशु के खुरों में जो हूफ हैं उसमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह पशु की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। अगर आपके पास कोई बुल है और उसका स्पर्म काउंट कम है, अगर हम उसे विटामिन एच रेगुलर देते हैं तो इससे यह पशु की स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हमें अपने पशु को कितना विटामिन एच डेली देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पशु हेल्दी है तो उसकी डेली की डोज 20 मिलीग्राम यानी कि 20 मिलीग्राम एक दिन की डोज होती है। तो अब बात आती है कि हम अपने पशुओं को ऐसा क्या खिलाएं जिससे कि आपके पशु को नेचुरल तौर पर विटामिन एच मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके पशु को नेचुरल तौर पर विटामिन एच मिलता है तो यह जो बाज़ार से लेके आते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने लेना है मक्का, मक्का यानी मेज़। ये दोस्तों एक एनर्जी का ही बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ विटामिन एच का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। दूसरा आता है सोयाबीन। दोस्तों, सोयाबीन एक प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ इसमें विटामिन एच भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तीसरा दोस्तों, राइस ब्रान। राइस ब्रान जिसे हम चावल की भूसी भी कहते हैं, यह एक चोकर की तरह होता है, यह भी अगर हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो इससे भी आपके पशुओं को काफ़ी अच्छा विटामिन एच मिलता है। फिर दोस्तों, जौ और जई में भी यह विटामिन एच काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा दोस्तों, जो मूंगफली की खली है उसमें भी विटामिन एच की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। मूंगफली की खली के साथ साथ सूरजमुखी खली में भी विटामिन एच काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आपने अपने पशुओं को ये देना कैसे है। आपने सबसे पहले मक्का जो कि आपने 20 किलोग्राम ले लेना है, और सोयाबीन जो कि 10 किलोग्राम लेना है, और जौ और जई 5-5 किलो मिलाकर ये टोटल 40 किलोग्राम बन जाएगा। इसके साथ दोस्तों, आपने लेनी है खली, वह किसी भी तरह की ले सकते हो, चाहे मूंगफली की खली ले सकते हो, चाहे सूरजमुखी की खली ले सकते हो, जो आपको अपने एरिया के हिसाब से अच्छी मिलती है वह ले सकते हो। यह टोटल मिलाकर आपका 50 किलोग्राम बन जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपने 10 किलोग्राम राइस ब्रान ले लेना है। दोस्तों, इन सभी को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, और पीसने के बाद डेली आपने अपने पशुओं को 1 किलोग्राम देने हैं। इसकी शुरुआत हम 1 किलोग्राम से करेंगे, फिर धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपका पशु ब्याने वाला है
15 दिन पहले आप शुरू कर सकते हो, और आपने 1 किलोग्राम से शुरू करना है और धीरे धीरे लेके जाके आप 2 किलो तक लेके जा सकते हो। जब आपका पशु दूध पे आएगा तो आप उसकी क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं, 3 किलो भी कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपके पशु को अच्छा विटामिन एच भी मिलेगा जो कि नेचुरल होगा, आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा और साथ ही साथ दूध का फैट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ अगर आपका इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट करके कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।